नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन से लेकर पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर और भी अलग अलग वीज़ा और पासपोर्ट के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और इसको लेकर जो है बहुत सारे लोग जो कि अपना एक न्यू पासपोर्ट के लिए, एक फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके मन में इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि क्या 10th की मार्कशीट ज़रूरी होती है। गाइज, 10th का मार्कशीट एक ऐसा चीज़ है जिसको लेकर लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। लोग ये सोचते हैं कि अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर वो अगर 10th पास नहीं है, या फिर उनका 10th का मार्कशीट गुम हो गया है, या फिर कोई और भी इश्यूज़ के कारण जो है अगर उनके पास 10th का मार्कशीट अवेलेबल नहीं है तो क्या वो पासपोर्ट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिनके पास ऑलरेडी 10th का मार्कशीट है वो भी ये सोचते हैं कि इसको मैं दूँ या ना दूँ। ओवरऑल जो है 10th के मार्कशीट का क्या इंपॉर्टेंस है पासपोर्ट को लेकर। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर 10th के मार्कशीट का क्या रोल होता है पासपोर्ट पे, क्या ये बिल्कुल ज़रूरी है, कंपलसरी है, या फिर ये ऑप्शनल है, ओवरऑल इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो गाइज, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए कि 10th का मार्कशीट का जो ज़रूरत है वो किन लोगों के लिए होता है, ये उन लोगों के लिए स्पेशली होता है कि जिनको नन ECR पासपोर्ट चाहिए। मतलब ये कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। जैसा कि जब भी आप पासपोर्ट बनवाएंगे, अगर आप 10th का मार्कशीट देते हैं साथ में, जिस पे आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल मैच होना चाहिए आपके सभी ID प्रूफ से, तो आपका जो पासपोर्ट बनकर आएगा उस पे जो होगा नन ECNR मीन्स NCNR। और अगर आप 10th का मार्कशीट नहीं देते हैं तो आपके पासपोर्ट पे पीछे लिखा होगा ECR, मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अब ये होता क्यों है? तो दोस्तों, आप कभी बहुत बार आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि काम के सिलसिले में अरब कंट्रीज जाते हैं, स्पेशली दुबई, ओमान, मस्कट, कुवैत, तो वहाँ उनके साथ काफ़ी ज़्यादती की जाती है, उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है उनसे, और उनसे जो है बिल्कुल बंधुआ मजदूरी वाला काम करवाया जाता है, उनको जो है एक तरीके से मजदूरों वाली उनकी हालत हो जाती है। और चूँकि उनका पासपोर्ट तो वो लोग छीन लेते हैं तो वो अपने देश से बाहर भी नहीं निकल पाते, ओवरऑल जो है उनकी ज़िंदगी वहाँ पे नरक हो जाती है। तो ऐसे में ही जो है सरकार उन लोगों को ऐसे अत्याचार से बचाने के लिए, या फिर ऐसे देश के नागरिक ऐसी मुसीबत में ना फंसे, इसके लिए सरकार ये इस बात को लेकर इंश्योर होना चाहती है कि वैसे लोग जो कि ऐसे अरब कंट्रीज़ में काम करने के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं, वो कम से कम 10th पास हो, थोड़ा पढ़े लिखे हो। क्योंकि अधिकतर जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो गवार लोग होते हैं, वही इन दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं, या फिर किसी को भी अपना पासपोर्ट दे देते हैं। जबकि आपके साथ ये होना चाहिए कि आपको किसी भी हालत में अगर आप देश से बाहर हैं तो आपका अपना पासपोर्ट हमेशा आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट आपकी अपनी संपत्ति है, इस पर कोई और जो है अधिकार नहीं जमा सकता है। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो बेचारे अनपढ़ कह सकते हैं, वो जो है ईजिली किसी की बातों में आकर जो है अपना पासपोर्ट उनको दे देते हैं और बाद में एक बहुत बड़ा मुसीबत मोल ले लेते हैं। ऐसे में सरकार ये चाहती है कि वैसे लोग जो कि काम के सिलसिले में अरब कंट्रीज, जैसे कि जो मैंने अभी नाम लिए दुबई, ओमान, मस्कट, इन लोगों का, वहां पे जो भी लोग जाए उन लोगों का जो पासपोर्ट हो वो नन ECR हो, मतलब कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, कि वो थोड़ा पढ़े लिखे लोग हों। तो गाइज, यहाँ पे 10th के मार्कशीट का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि विदेश में, स्पेशली अरब खाड़ी देशों में काम करने मजदूरी के सिलसिले में वहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और आप सिर्फ पासपोर्ट बनवा रहे हैं घूमने फिरने के भी, उसे एज अ टूरिस्ट पर्पज़ कि आपको कभी दुबई घूमने जाना है, कभी सिंगापुर, कभी थाईलैंड, तो इस पर्पज़ में आपको 10th का मार्कशीट वहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आप जो है आपका टूरिस्ट वीज़ा लगेगा। लेकिन अगर आप इम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आपका 10th का मार्कशीट नहीं वाला पासपोर्ट होगा, और अगर आप अरब कंट्रीज़ में अगर आप इम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आप वीज़ा वहाँ पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो वैसे लोग जो कि 10th पास हैं वही लोग वहाँ पर काम करने के लिए जाएँ, इस चीज़ को जाँच करने के लिए वहाँ पर 10th का मार्कशीट मांगा जाता है। ऐसे में आपका ये कन्फ्यूज़न पूरी तरीके से दूर होना चाहिए कि अगर आप पहला केस, अगर आप सिर्फ घूमने फिरने के व्यू से पासपोर्ट बनवा रहे हैं कि आपको अलग अलग कंट्रीज़ केवल टूरिस्ट वीज़ा पे ही जाना है, तो आपको 10th का मार्कशीट देने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा में कोई भी पासपोर्ट हो वो चलता है।
वही अगर आप और भी ज़्यादा पढ़े लिखे, अगर आपको अमेरिका, फ्रांस या फिर अलग अलग बड़े देशों में काम करने के लिए जाना है, अगर आप इंजीनियर वगैरह हैं, तो भी आपको 10th पास वाला पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो अगर आपका स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप इन खाड़ी देशों के अलावा किसी और देश में काम करने जाते हैं लाइक कैनेडा, सिंगापुर, बड़े बड़े देशों में, तो आपको वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन स्पेशली जो ये खाड़ी देश है जहाँ पर मज़दूरों के साथ अत्याचार किया जाता है, उन लोगों को बचाने के लिए सरकार ये चाहती है कि वहाँ केवल पढ़ा लिखा बंदा ही जाए, इसीलिए उनसे 10th का मार्कशीट मांगा जाता है। तो ये डाउट बिल्कुल आपके मन में क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप मेरी तरह हैं, जाहिर सी बात है, जो सिर्फ टूरिस्ट पर्पज़ के लिए पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं, उन लोगों को अपना 10th का मार्कशीट देने का कोई ज़रूरत नहीं है। और फालतू में जितना लंबा आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा उतना लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आपके 10th के मार्कशीट में अगर आपका नाम में कुछ मिस्टेक हो, डेट ऑफ बर्थ अगर मैच नहीं कर रहा है आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड के साथ, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बेहतर इसी में है, जितना कम डॉक्यूमेंट रखो उतनी जल्दी आपका पासपोर्ट जो है वो प्रोसेसिंग होगा। सो गाइस, बेसिकली अगर आप काम के सिलसिले में अगर आप बाहर जाना चाहते हैं अरब कंट्रीज़ में, तो आपको ज़रूरी है। और अगर आप सिर्फ घूमने फिरने पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं पासपोर्ट पे, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है 10th के मार्कशीट का, ये बात आप हमेशा याद रखें। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपका जो पूरा डाउट था 10th के मार्कशीट को लेकर वो पूरा क्लियर हो चुका होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई और कन्फ्यूज़न है, कोई किसी तरीके का कोई और डाउट है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।